हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए चलते हैं हम अपनी कहानी पर। अगर ठीक से याद हो मुझे तो ये सब कुछ करीब 4-4.5 साल पहले शुरू हुआ था। मैं एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो ठीक ठाक पैसे कमा रहे बंदे को उसकी गर्लफ्रेंड छोड़कर चली गई। लड़कियों की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है जब लड़के के साथ के अलावा उसे पैसे का साथ भी भाने लगता है। क्योंकि मुझे पैसे घर भी भेजने होते थे तो मैं अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पैसों को खर्च कर रहा था। उसने पैसों को ज़्यादा तवज्जो दी और मुझे छोड़ दिया। खूबसूरती और चालाकी से लड़की दुनिया का हर सुख और आदमी को अपने वश में कर सकती है। बस फिर क्या, शहर के अमीर घराने से उसकी शादी हुई। उसके पति के पास अकूत संपत्ति, अंधाधुंध पैसा है। मानो पैसों का कोई बरगद लगा हो जो पतझड़ के समय भी करोड़ों रुपए की संपत्ति जमा कर सकता है। 5-6 पेट्रोल पंप, 5 SUV कार, होटल, रेस्टोरेंट्स में उसकी शादी में गया भी था, पर जल्द ही लौट आया। फेरों को देखकर लगा मानो मेरे गले में कोई फंदा डाल रहा हो। मैंने वहाँ से अपना फ्लैट बदल लिया। बस फ्लैट बदला था पर दिल कहीं ना कहीं उसके आसपास ही घूम रहा था। मैंने नई नौकरी ढूंढी, नया माहौल तैयार कर रहा था खुद के लिए ताकि उसके बिना जी सकूं। पर मेरा दिल और दिमाग उससे बाहर जा नहीं पा रहा था। मैं अब सिगरेट और शराब का आदी हो चुका था। ऑफिस में ऑफिस के बाथरूम जब भी मौका मिले एकाध कश लगा लेता था। मेरी रात अब लेडीज़ बार, डिस्को, पब में गुजर रही थी। मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं था मैं अपनी ज़िंदगी के साथ क्या कर रहा हूँ, अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या उसने मुझे खैरात में और किराए पर जो दी है वो जी रहा हूँ। मैं खुद ब खुद बर्बादी की तरफ बढ़ गया था और ना वापस आने का मन था ना ही रास्ता। कोठों पर जाना, वैश्याओं के साथ रात गुजारना, यह मेरी दिनचर्या में शामिल हो चुका था। घर, परिवार, जिम्मेदारी क्या होती है, सब कुछ भूल गया। मैं खुद को भी याद रखने में सक्षम नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक दलाल के माध्यम से रूम सर्विस शुरू करवा लिया। फ्लैट पर लड़की आती, काम करती, पैसा लेती और चलते बनती। एक सुबह देखा एक वैश्या मेरे कमरे को साफ सुथरा कर रही है, बर्तन को धो रही है, सामानों को सही जगह पर रख रही है। मैं एकदम से हक्का बक्का रह गया। मैं सोच में पड़ गया, ये क्या हो रहा है। मैं सब कुछ देखे जा रहा था, जुबान एकदम खामोश। आखिर मैंने पूछा, तुम ये सब क्या कर रही हो। जवाब मिला, मुझे लगा तुम्हारे कमरों को सफाई की सख्त ज़रूरत है तो मैंने कर दिया। इसके आगे मैं कुछ बोल पाता वो झट से बाहर चली गई। बैठे बैठे क्या सोचे जा रहा था मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था। मैं उठकर फ्रिज से पानी लेने के लिए किचन में गया, देखा नाश्ता बना हुआ है, वो भी आलू के पराठे। मैं बस खड़े होकर पराठे देखे जा रहा था। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था पर क्या बताओ। मैं ऑफिस गया, काम किया और वापस आ रहा था अपने फ्लैट। आते समय बार बार उस लड़की का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं रिलायंस फ्रेश के पास अपनी बाइक रोकी, अंदर गया और कुछ स्नैक्स लेकर आया और फ्लैट की तरफ चल दिया। एक अनजान लड़की जिसका शरीर सिर्फ पैसों के नाम पर खुलता है, बंद होता है, वो मेरे कमरे को क्यों सजा रही थी, बर्तन क्यों धो रही थी, और तो और मेरे ऑफिस जाने से पहले मेरे लिए नाश्ता तक तैयार कर देती है, फिर बिना बताए चली भी जाती है, आखिर क्यों। मैं एक दिन अपने दलाल को फ़ोन करता हूँ। मैंने दलाल को उसी लड़की को भेजने के लिए कहा। दलाल का थोड़ी देर बाद फ़ोन आया, बोला ठीक है साहब, मैं भेज रहा हूँ। करीब 1 घंटे के बाद मेरे दरवाजे का बैल बजा। मैंने दरवाज़ा खोला, चेहरे पर हल्की मुस्कान और गुड मॉर्निंग राज। मैंने भी गुड मॉर्निंग कहा, अंदर आने को कहा मैंने। दरवाजे से जैसे जैसे वो अंदर आ रही थी उसकी मुस्कुराहट वैसे वैसे बढ़ती जा रही थी। आज कुछ करने का मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था, शायद इसीलिए भी कि मैंने पिछले कुछ दिनों से उसके शरीर के बारे में नहीं, उसके मन और मस्तिष्क के बारे में सोच रहा था और व्यवहार के बारे में सोच रहा था। सोफ़ा लगाया, फ़ोन को दूर फेंका, नेटफ्लिक्स ऑन किया और उसके पसंद के मुताबिक एक हॉरर फिल्म चला दी।
मेरी गोद में उसका सर, मैं उसकी जुल्फों में अपनी उंगलियां फिराए जा रहा हूँ। अभी जो मैं और मेरा दिल महसूस कर रहा है, शायद वो कुछ बढ़कर ही है। शायद हम दोनों ही एक दूसरे के लिए कुछ अलग सा चाह रख रहे थे। सामने नेटफ्लिक्स के अलावा भी हम दोनों के दिल में कुछ चल रहा था। इतना तो अंदाज़ा था कि हम दोनों शायद एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखते हैं, बस वो होठों से लबों से बाहर आने की देर थी। हम दोनों ही अंदर अंदर एक दूसरे को सब बता चुके हैं, पर ये बातें जुबा तक ना आ पाई। नहीं आई वो भी अच्छी बात है, वरना हॉरर फिल्म फिर रोमांटिक होने में देर न लगाती। शाम हुई, मैंने ऑनलाइन खाना ऑर्डर करने जा रहा था, उसने मना कर दिया, कान के पास होठ रख दिया और धीमे दबी जुबान से बोली, खाना मैं बना देती हूँ। मैं बाथरूम चला गया, फ्रेश होकर आया तो किचन की तरफ चल दिया। देखा वो आटा गूंध रही है, सोचा हल्के हाथों से पीछे से उसके कमर को पकड़ लूं, फिर रुक गया। मैं चाह रहा था जो बात दिल में है वो बाहर आ जाए, तभी बेहतर है कदम बढ़ाना। खाना खाया और दोनों सोने चले गए। कुछ बातें की, इधर उधर की, पूरी रात उसके साथ सोया, पर ना मैंने कुछ किया और ना ही उसने पहल की। मैं अब उसके प्यार में था पूरी तरह से। अगली सुबह वही चीज़ दोबारा हुई। वो खाना बना रही थी, घर साफ कर रही थी, खाली पड़ी शराब की बोतलों को बाहर फेंक रही थी। अब मेरा फ्लैट पहले से ज़्यादा अच्छा रहने योग्य बन गया था। पर्दे बेडशीट को धोबी को दे दिया। इतना सब कुछ करके वो चली गई। अब कुछ अकेलापन सा महसूस कर रहा था, जैसे दिल खाली खाली सा लग रहा था। इस बार मैंने उसका नंबर लिख लिया था। मैं कई बार सोचा उसे मैसेज करूं या फिर फ़ोन करूं, परंतु हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार एक दिन रविवार को हिम्मत जुटा कर उसे कॉल किया और पूछा, क्या आज तुम्हारे पास समय है? उसने हाँ कहा। मैंने उसे फिल्म देखने के लिए बुला लिया, वो आने को तैयार हो गई। पूरा दिन हमने खूब मस्तियाँ की, हंसी खुशी से गुजारा दिन। उस दिन के बाद से मैंने कभी उसे एक वेश्या या कॉल गर्ल की नज़र से नहीं देखा। मैं उसे दोस्त की तरह देख रहा था। मैं अपने आप में बहुत चिंतित था कि क्या सही है और क्या गलत। गलत और सही का पता नहीं, पर उसका साथ मुझे भाने लगा था। मुझ में इतना भी साहस नहीं था कि मैं उससे पूछ सकूं कि तुमने वैश्यावृत्ति क्यों अपनाया। पर अब मेरी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खुशहाल थी। लगभग हर रविवार मेरे लिए जन्नत जैसा हो गया था। मिलते थे, खूब सारी बातें, नई नई कहानियाँ होती थी। अब मैंने सिगरेट और शराब को लगभग छोड़ दिया था। ये सब उसका जादू था जो अब असर दिखा रहा था। हल्की सी भी बातें अब रात रात तक चलती थी। चैट नहीं, चैटे होना शुरू हो गई थी। एक रविवार की शाम हम दोनों एक पार्क में बैठे थे। उसका सर मेरे कंधे पर था, उसके आंखों में आंसू थे। राज, मैं ये ज़िंदगी अब और नहीं जीना चाहती हूँ। मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। मैं एक साधारण ज़िंदगी जीना चाहती हूँ और ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। मेरे भी कुछ सपने हैं, अरमान हैं, जिन्हें मैं पूरा करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे भी अपने दिल की गहराइयों से मुझे प्यार करे, मुझे चाहे। अंतिम पंक्ति सुन मुझे धक्का सा लगा। मैं किसी पुराने ख्याल में गुम हो गया। ये बिल्कुल वही पंक्तियाँ थी जो कभी गर्लफ्रेंड ने कही थी। मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आया कि मैं उसे क्या जवाब दूँ। मैंने उससे बिना कुछ कहे उसे गले लगाया और पूरी शाम वहीं पर बिता दी। अगले दिन मैंने उसे फ़ोन नहीं किया, उसके मैसेज का जवाब नहीं दिया, उसका फ़ोन नहीं उठा रहा था। करीब करीब हजारों बार उसने फ़ोन किया होगा मुझे। सच कहूँ तो मैं डर गया था कि मुझे फिर से कोई छोड़कर न चला जाए, क्योंकि यही बात कहने वाली मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया एक अमीरजादे के लिए। मैं ये दुख दर्द दोबारा नहीं झेल सकता था और ना अब मुझ में इतनी हिम्मत बची थी। मैं उससे क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या बताऊँ। एक हफ्ते बाद वो मेरे घर आई। वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। राज, तुमने मेरे साथ ऐसा सिर्फ इसलिए किया ना कि क्योंकि मैं एक वैश्या हूँ, मेरी कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी नज़रों में। इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम मेरी भावनाओं को ठेस पहुँचाओ। तुम्हें रिश्ता आगे नहीं बढ़ाना था तो कम से कम एक बार बात तो कर सकते थे। हाँ, हूँ मैं एक वैश्या,
मेरे शरीर से खेल लो जितना खेलना है, लेकिन मेरे सपने मेरे अरमान को तो मत कुछ लो। मैं चुपचाप सब सुनता गया। जब उसका गुस्सा शांत हुआ, वो फफक फफक कर रोने लगी। मैंने उसे गले लगाया और माथे पर एक किस ली। जब माहौल थोड़ा शांत हुआ, मैंने उसे पूरी बात बताई। कहा, मैं फिर से किसी को खोना नहीं चाहता हूँ। मैं डर गया था कि तुम्हें भी खो ना दूँ। करीब 2 महीने के बाद उसे लेकर उसके घर गया, उसके माता पिता से बात की और उन्हें शादी के लिए मनाया। फिर हम दोनों ने शादी कर ली। आज हम दोनों एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। परंतु ना मैंने आज तक उससे उसकी वैश्यवृत्ति के बारे में पूछा और मैं अब पूछना भी नहीं चाहता हूँ। मेरे लिए कभी मायने नहीं रखता कि लड़की कैसी थी, वर्जिन है कि नहीं है। मायने रखता है कि 2 दिल और 1 रूह मिल रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।